इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइमलाइन विंडो में इन और आउट पॉइंट का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आई से इन और आउट, ओ से आउट। आप चाहें तो यहाँ पर इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं माउस के द्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं अन्य चाहिए तो दोबारा से यहाँ रखिए और ओ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आउट पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। या राइट क्लिक करके भी आप क्लियर इन पॉइंट और आउट पॉइंट हटा सकते हैं। गो इन पॉइंट और आउट पॉइंट होता है, सेट इन एंड आउट पॉइंट होता है। ये आपके पास यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको इन पॉइंट से रिलेटेड दिए गए हैं। अब यहाँ पर इन पॉइंट लगाने के लिए आई, आउट पॉइंट लगाने के लिए ओ, सीक्वेंस मार्कर अलग चीज़ है, बाद में बताएंगे। गो टू इन पॉइंट, आपको इन पॉइंट पे जाना, सीधे क्यू दबाइए, इन पॉइंट पे आपका कर्सर चला जाएगा। आउट पॉइंट पे जाना है तो डब्ल्यू दबाइए, सीधे आउट पॉइंट पे आप चले जाएंगे। यदि आपको इन पॉइंट हटाना है तो क्लियर इन पॉइंट अल्टर आई, क्लियर आउट पॉइंट अल्टर वो, और इन आउट दोनों हटाना है तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन और आउट पॉइंट लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन रहते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं या शॉर्टकट कमांड का यूज करिए। ओके, यहीं पर देखिए ये जो आपको यहाँ पर आपके प्लेयर विंडो में जो आपको ये बटन दिख रहे हैं ना, इसमें आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, गो टू इन पॉइंट और क्लियर इन पॉइंट, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ इस पैलेट पे देखो राइट क्लिक, जो माउस की जो राइट क्लिक है ना, ये बहुत यूजफुल होती है। आप सॉफ्टवेयर के जिस लोकेशन पे राइट क्लिक करेंगे उसके उस लोकेशन पे आप क्या क्या एक्शन कर सकते हैं उससे रिलेटेड सारी लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। यदि आपको यहाँ इन आउट लगाना तो यहाँ इस पे राइट क्लिक कीजिए, इस बैंड पे ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इन और आउट पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर एक एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मंत्रा ट्यूटोरियल्स। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर न्यू ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।